वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नागालैंड जीनियस इलेक्ट्रॉनिक। दोस्तों आज आपको हम बताएंगे यूनिवर्सल बोर्ड के बारे में, जो कि स्टेबिलाइजर में हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों ये जो पीसीबी बोर्ड देख रहे हैं, मैक्सिमम हम लोग जो कि इसको स्टेबिलाइजर में लगाते हैं, और इसको लगाना बहुत आसान होता है। देख सकते हैं आप, इसको लगाना बहुत आसान होता है, तो हम लोग सभी स्टेबलाइजर में मैक्सिमम इसी को यूज़ करते हैं। दोस्तों अगर ये ख़राब हो जाए तो इसमें हम लोग रिपेयर कैसे करेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग चलते हैं इसी कनेक्शन के बारे में। दोस्तों अगर कनेक्शन समझेंगे तो हम लोग इसको जो कि रिपेयर ईजिली कर पाएंगे। तो आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये है आपका LT सप्लाई, इसको LT सप्लाई कहते हैं, जो कि यहाँ पर इस सर्किट की सप्लाई जाएगी। उसके बाद देख सकते हैं ये कॉमन है। कॉमन दोस्तों ये होता है आपकी सभी रिले में एक एक कनेक्शन होते हैं, उसको कॉमन हम लोग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे इनपुट टू, ये है रिले की सप्लाई यानी सेकेंड रिले। देख सकते हैं यहाँ पे ये इनपुट वन है, इनपुट टू रिले कनेक्शन यहाँ पे करना है, ठीक है। उसके बाद में यह इनपुट वन है यानी कि पहला रिले जो इनपुट में रहेगा यहाँ पर हम लोग कनेक्शन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट रिले की सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट होगी, ठीक है। आउटपुट दोस्तों क्या है, आप देख सकते हैं जो 200 वोल्ट से जो कनेक्ट है उसको आउटपुट रिले में कहते हैं, और ये जो लास्ट का जो रिले है इसको हम लोग हाई कट लो कट डिले इसको कहते हैं। तो ये हाई कट कनेक्शन हो जाएगा। दोस्तों यह कनेक्शन कम्प्लीट हो गया है इस साइड का, ठीक है, जो कि रिले की सप्लाई थी। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 3 स्टेप के लिए यहाँ पर कनेक्शन करेंगे। अगर दोस्तों ये रिले जो है 5 स्टेप में काम करता है, अगर आपको 3 स्टेप में वर्क कराना है तो यहाँ पे 3 स्टेप भी करा सकते हैं, तो आपको दूसरा सर्किट यूज़ नहीं करना है, तो इसी को आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप उसको शॉर्ट कर देंगे तो ये 140 में भी ये वर्क करेगा, 140 में। और दोस्तों इसमें क्या करना होगा, आपको इनपुट रिले में कनेक्शन करना है, आपको आउटपुट रिले में कनेक्शन करना है, ठीक है। आउटपुट रिले में कनेक्शन करना है, और ये जो इनपुट टू है इसको छोड़ देना है आपको, ठीक है। जब आप इसको शॉर्टिंग करेंगे तो इसको छोड़ देना है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लो कट को आप डायरेक्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लो कट के लिए जब इसको यूज़ करें, यहाँ पे जो है कि इसको शॉर्ट करेंगे तो अगर इसकी आउटपुट वोल्टेज 180 से नीचे जाएगी तो उस पीरियड में क्या होगा, ये कट हो जाएगा। तो यहाँ पर लो कट हम लोग बनाया जाता है, क्योंकि लो वोल्टेज में भी अगर आप अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं उस पीरियड में क्या होता है, सामान ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होता है, इसलिए इसको जो कि हम लोग लो कट के लिए भी इसको डायरेक्ट करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एक पिन यहाँ पे है, तो ये हम लोग इसको एक बार जब इसको शॉर्ट करेंगे तो ये इंस्टेंट स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों इसमें डिले जो होता है वो डिले आपका 30 सेकेंड का होता है, उसको अगर तुरंत आपको चाहिए लाइट आने के बाद में सप्लाई आउटपुट इसको शॉर्ट करेंगे तो तुरंत आपको आउटपुट दे देगा। लेकिन दोस्तों इसमें हाई कट लो कट काम करेगा, डिले इसमें काम नहीं करेगा, शॉर्ट करेगा तो, ठीक है। आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 3 कनेक्शन और है जो कि LED सप्लाई जाएगी, बीच का जो है ग्राउंड है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये है आपका हाई कट के लिए है, LED है, हाई कट होने पर ये ग्लो करेगी, और यहाँ पे देख सकते हैं ये मेंस आने पर ये ग्लो करेगा, ठीक है। तो 2 यहाँ पे LED है। आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये सर्किट इसकी है, यहाँ पे रेक्टिफायर बनाया गया है जो कि AC हम लोग इनपुट करेंगे 24 वोल्ट, 21 वोल्ट तक हम लोग यहाँ पे इनपुट किया जाता है, 24 वोल्ट तक हम लोग मैक्सिमम वोल्टेज इसमें इनपुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए डायोड 4 लगा हुआ है, ठीक है, उसको फिल्टर करने के लिए यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए सर्किट को हम लोग चलेंगे सर्किट डायग्राम की तरफ। आप देख सकते हैं ये सर्किट डायग्राम है, तो डायग्राम में सबसे पहले हम लोग चलेंगे IC की तरफ। दोस्तों IC जो पिन नंबर 1 है ये इसकी VCC सप्लाई है यानी कि 5 वोल्ट सप्लाई है, ये 5 वोल्ट नहीं मिलने पर ये ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें 5 वोल्ट से अबव होगा तो ख़राब हो जाएगा, इससे वोल्टेज कम होगा तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं हम लोग पिन नंबर 2 जो है ये इंस्टेंट स्टार्ट के लिए आपका कनेक्शन है, जहाँ मैंने बताया था ये इसको शॉर्ट करेंगे तो ये इंस्टेंट स्टार्ट हो जाएगा। पिन नंबर 3 ये लो कट के लिए है, इसको आप नेगेटिव से यानी ग्राउंड से शॉर्ट करेंगे तो ये आपका जो है लो कट काम करेगा, आउटपुट में वोल्टेज लो होने पर ये बंद हो जाएगी।
और पिन नंबर 4 ये ग्राउंड है, देख सकते हैं ये भी आपका नेगेटिव सप्लाई इसकी है, और पिन नंबर 14 भी आपका नेगेटिव सप्लाई देख सकते हैं यहाँ पे। पिन नंबर 5 ये आपकी एलईडी की सप्लाई जाएगी मेंस की 1K रेजिस्टेंस के थ्रू, और पिन नंबर 6 जो है कि हाई कट के लिए सप्लाई जाएगी 1K रेजिस्टेंस के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये एलईडी कनेक्शन की सप्लाई है। अब दोस्तों आगे चलेंगे, पिन नंबर 8 देख सकते हैं। पिन नंबर 8 जो है आपका ये रिले की सप्लाई के लिए एक सप्लाई किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है, और ये जो कि ट्रांजिस्टर में गया है, जो ट्रांजिस्टर का नंबर है 2N6292, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, और इसकी जो इमीटर है ये ग्राउंड है, देख सकते हैं नेगेटिव से ग्राउंड है, और इसकी जो कलेक्टर सप्लाई निकली है, और उसके बीच में आपका 2.2 ओम्स का रेजिस्टेंस लगाया गया है, ठीक है, इससे सप्लाई चली गई है रिले में। देख सकते हैं पिन नंबर 9 है, ये पिन नंबर 9 भी आपका 2.2 ओम्स रेजिस्टेंस के थ्रू गया है सप्लाई ट्रांजिस्टर में, और ये ट्रांजिस्टर सप्लाई की जो इमीटर है ग्राउंड है, कलेक्टर जो है कि आपका रिले में सप्लाई चली जाएगी। पिन नंबर 10 ये भी आपकी सप्लाई जाएगी रिले में, जो कि देख सकते हैं ये इनपुट रिले 2 में कनेक्शन है, और ये जो कि आउटपुट के रिले में कनेक्शन है, देख सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों आगे चलते हैं, पिन नंबर 11 जो है ये आपका 3 स्टेप के लिए, अगर शॉर्ट करके तो 3 स्टेप में ये सर्किट काम करेगा, इसके लिए यहाँ पे ये कनेक्शन है पिन नंबर 11। 12 देख सकते हैं, 12 पे आपका जो 2.2 रेजिस्टेंस के थ्रू गया है सप्लाई, देख सकते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं पिन नंबर 12 जो है ये आपका रिले 1 की तरफ चला गया है, तो इसको आप यहाँ पे ये इनपुट 1 है, इनपुट 2 है, देख सकते हैं ये आपका आउटपुट के लिए सप्लाई गया है, ये आपका हाई कट के लिए चला गया है। इसमें 4 आपका जो कि आउटपुट है, और ये आपका 90 में वर्क करेगा। अब दोस्तों ये इस आईसी में मेन सप्लाई सिग्नल इनपुट कैसे होगा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक सप्लाई अलग से जो कि सप्लाई आई है एलटी से, एक सप्लाई अलग से गया हुआ है, यही आपका जो कि सर्किट में सेंस करता है। तो यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, एसी को डीसी में यहाँ पे होता है, उसके बाद में देख सकते हैं एसी को डीसी यहाँ पे कन्वर्ट करता है, और उसके बाद में यहाँ जो सप्लाई आती है वो 10K के थ्रू जो है कि आपके आईसी के पिन नंबर 13 में सप्लाई जाती है, जो कि सेंस करता है इनपुट वोल्टेज, ट्रांसफार्मर की वोल्टेज सेंस करता है यहाँ से, और यहाँ पे 2.2K रेजिस्टेंस के थ्रू जो कि ये ग्राउंड की गई है, वोल्टेज को लिमिट यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं पिन नंबर 10K रेजिस्टेंस यहाँ पे सप्लाई आई है, और उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं जितना आपका वोल्टेज आउटपुट में सेट करना है उसके लिए यहाँ पे 1K का रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, और 1K का VR प्रीसेट है, यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है यहाँ पे प्रीसेट है, वो प्रीसेट से जो है आपको वोल्टेज को यहाँ पे सेट करना है, ठीक है, यहाँ पे सेट करना है इसको, तो यहाँ पे इसे सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों और ये जो आईसी इसकी सप्लाई 5 वोल्ट कहाँ से आएगी इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के बाद में यहाँ 4 डायोड लगा हुआ है, 4 डायोड के बाद में एसी में डीसी में कन्वर्ट करने के लिए देखो यहाँ पे देख सकते हैं कैपेसिटर फिल्टर किया गया है, और यहाँ पे 7805 रेगुलेटर आईसी लगाया गया है यहाँ पे, जो कि 5 वोल्ट ये प्रोवाइड करता है, देख सकते हैं, और पिन नंबर 1 में सप्लाई चली गई है, और जो पॉजिटिव सप्लाई है इसको वोल्टेज को थोड़ा कम करने के लिए, यानी कि आईसी में डायरेक्ट हीट ना करे इसके लिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया गया है 470 ओम्स का। दोस्तों कभी कभी क्या वोल्टेज हाई आने पर ये डायरेक्ट आईसी को हीट करता है, आईसी ख़राब हो जाती है, इसके लिए यहाँ पे एक वोल्टेज बाउंस करने के लिए रेजिस्टेंस लगाया जाता है कि डायरेक्ट जो कि हीट ना हो आईसी, और इसकी इनपुट की गई है दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आपको 24 वोल्ट 21 वोल्ट मिल जाएगी देखने को, और उस 21 वोल्ट 22 वोल्ट को सप्लाई को 5 वोल्ट में ये आउटपुट करके माइक्रो कंट्रोलर को प्रोवाइड करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो सप्लाई आ रही है एसी में डीसी में इसको फिल्टर करने के लिए पीएफ लगाया गया है, 104 नंबर का कैपेसिटर लगाया गया है, देख सकते हैं। तो दोस्तों ये सर्किट डायग्राम है, अगर ये सर्किट वर्क ना करे तो आपको यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सबसे पहले एलटी सप्लाई चेक करना है आपको,
एलटी सप्लाई चेक करना है, और उसके बाद में यहाँ पे जितनी सप्लाई आई है पिन नंबर 5 पे आपको जो कि पिन नंबर 1 पे 5 वोल्ट होना चाहिए यहाँ पे। अगर आईसी पे सप्लाई ना आए तो यहाँ पे रेगुलेटर आईसी चेक करना है आपको, इनपुट वोल्टेज चेक करना है। अगर ये सप्लाई मिलने के बावजूद भी अगर वर्क नहीं कर रही है तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे जो एक सप्लाई आई है देख सकते हैं, ये सेंसिंग इनपुट सप्लाई है। अगर ये सप्लाई नहीं आएगी आईसी में तो आईसी वर्क नहीं करेगा, तो आपको यहाँ पे विशेषकर ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं रिले कनेक्शन की तरफ। रिले कनेक्शन दोस्तों ये अलग से मैंने इसकी बनाई है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसकी सर्किट डायग्राम है, देख सकते हैं इसकी सर्किट डायग्राम यहाँ से यहाँ तक ही है। अब रिले कनेक्शन हम लोग समझ लेते हैं, अगर आप ये सर्किट इंस्टॉल कर रहे हैं तो रिले कनेक्शन जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों एलटी सप्लाई जो 22 वोल्ट है आपकी डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगी, देख सकते हैं ये सप्लाई हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे ट्रांसफार्मर की टेपिंग समझना है। 90 वोल्ट को जो हम लोग कनेक्शन करेंगे एनसी में करेंगे, जो इनपुट के रिले है इनपुट 1। अब दोस्तों इसके इनपुट 2 में आपका जो है कि 135 से 140 वोल्ट आप इनपुट कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। और इसकी जो कॉमन है, कॉमन में आपका इनपुट होगा, मेन लाइन इनपुट हो जाएगा, और एनओ से जो कि इसकी सेकेंड वाले रिले कॉमन में कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड वाला जो आउटपुट का रिले है इसमें आपका 200 वोल्ट का कनेक्शन एनसी में हो जाएगा। और एनओ में दोस्तों इसमें क्या करना है, एनओ में दोस्तों 166 वोल्ट आपको कनेक्शन कर देना है। 200 का अगर 240 वोल्ट हो तो यहाँ पे 200 वोल्ट मिले, ये यहाँ से नीचे आ जाएगा वोल्टेज, ठीक है। और दोस्तों 200 वोल्ट में हम लोग दो लूप बना दिए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे दो लूप बन गया है यहाँ पे। तो दो लूप में दोस्तों एनसी से कनेक्शन और हो जाएगा, वो चला जाएगा एनओ में, या फिर 5 लूप वाला ट्रांसफार्मर है तो उसमें आपका यहाँ पे 190 वोल्ट का यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हाई कट के लिए यहाँ पर रिले देख सकते हैं, हाई कट के लिए है, तो यहाँ कॉमन से, उस कॉमन से आपका एनओ में कनेक्शन हो जाएगा, और यहाँ कॉमन से आपका आउटपुट निकल जाएगा, ठीक है, आउटपुट में चला जाएगा सप्लाई। तो इस तरह कनेक्शन कर सकते हैं। और दोस्तों वो अगर ये सर्किट में अगर कॉम्प्लेन आए तो इस तरह देख के आप रिपेयर इजीली कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आज के लिए मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। दोस्तों मेरे चैनल पर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक उसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए।